छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ जो 24 मार्च तक चलेगा। विधानसभा पहुंचने पर नवनियुक्त राज्यपाल हरिचंदन पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत तथा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भव्य स्वागत किया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के 16वें सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा जो 20 मिनट तक चला। अभिभाषण में राज्यपाल ने अलग अलग क्षेत्र में राज्य सरकार की चल रही योजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे विशेष पिछड़ी जनजाति को योग्यता अनुसार तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी की बात हो या फिर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश हिंदी और आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की बात हो। अपने संबोधन में राज्यपाल ने बताया कि अगले सत्र से 398 नए स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा करते हुए राज्यपाल की स्थिति को स्पष्ट करने कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये पहली बार है जब कोई राज्यपाल अंग्रेजी में अभिभाषण दिए, जिस पर विपक्षी सदियों ने कहा कि हिंदी में अभिभाषण नहीं होने से समझ नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट गई है, तो पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार को राज्यपाल पर भरोसा है या नहीं। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित की गई। जिस प्रकार से यह सरकार के द्वारा आज जो महामहिम से अभिभाषण जो पढ़वाया गया, वास्तविक में पूरे प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो संवैधानिक संकट की स्थिति है कि एक तरफ जब उनके खिलाफ में कोर्ट जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उनको राज्यपाल मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ उनसे अभिभाषण पढ़वाना। तो जिस प्रकार की स्थिति यहाँ बन रही है छत्तीसगढ़ में, जिस